गाइस अभी 7 बजने वाला है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है ना, तो हम लोग पहुँच गया फॉक्सिंग में। ये रहा फॉक्सिंग लेक, और फॉक्सिंग लेक के साइड में घोड़ सवार करते हुए गाइस ये देखे। कंजीरावा होटल ये हमारा होटल है। तो गाइस वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट जो है, मैंने यार्त्सकुम्बु की खोज में गया गाइस है ना। यार्त्सकुम्बु जो है उसके बारे में भी एक अलग से कंटेंट होगा गाइस है ना। कैसे जगह में पाया जाता है, किस तरह पाया जाता है और कैसे दिखते हैं, ये भी होगा इस ब्लॉग में ना गाइस। तो सो गाइस फाइनली आफ्टर 11 आवर्स वी चेक्ड आउट व्यू टावर। ओ आई एम ओय किलो दुगो ता सो व्यू टावर ची इस दुगो चिपो चिपो व्यू पॉइंट। ये रहा फॉक्सिंग लेक और ये व्यू टावर, और हम लोग इधर ये झंडा झंडा ने वाला गाइस। अरे हेलो फुला वाला ता लंगा हले चल लंगा पे तुपु छासो अरे यांग सुन लंगा व्यू टावर हले ता थुर पापा तदिनिं चमदो दी या मुंदर दिला या मतलब मुंदो तमो मुंदो ते का थव यु ला चापा न्यू न्यू छावा शो दी चापा न्यू न्यू ले वा शो ले तरो 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 जो आते हैं ओया तरो 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 अनि तोवे यु लता चाक्वा न्यू न्यू लेव छ लता खजिने जे मिदिस खन्ते छराछि दु निंजे चाक्वान जो खन्ते तोगो तोगे दु मिदिस खन्ते छराछि दु जे छराथा रोय छि दु लेता खजि सिमसि दु या सो गाइस सी वाला है व्यू पॉइंट। सो यहां से ऐसे फॉक्स इन द लेक 2023 अप्रैल 6 मैं आया हुआ है कोई। तो गाइस है ना हम लोग जल्दी से अब फॉक्सिंडो विलेज में जाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ तो गाइस क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रहा है, तो हम लोग फॉक्सिंडो गांव में पहुँच गए ना, तो आप लोगों को दिखाएंगे गाइस है ना। गाइस अभी 7 बजने वाला है, थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है ना, तो हम लोग पहुँच गया फॉक्सिंडो में। ये रहा फॉक्सिंडो लेक, और फॉक्सिंडो की लेक के साइड में घोड़ सवार करते हुए गाइस ये देखे। वो आ जा। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम फॉक्सिंडो एंड वी आर एट कांजीरावा होटल। तो हम लोग कांजीरावा होटल मिला, ये हमारा अपना होटल है। कल रात को फॉक्सिंडो पहुंच गया था है ना, तो अभी ऐसे ही बैठा हूँ अपने होटल में। कांजीरावा होटल ये हमारा होटल है। तो गाइस यहाँ से ये देखो व्यू, सो हेलो 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 गाइस, इट्स द बॉय नम गापी हियर अगेन। तो गाइस ये मेरे पीछे जो है एक नीला सा एकदम ब्यूटीफुल जो है ये देखें, ये जो है फॉक्सिंडो लेक गाइस। ये फॉक्सिंडो लेक जो है वन ऑफ फेमस एंड डीपेस्ट लेक इन नेपाल। तो इस
इसका हाइट होगा लगभग 3800 मीटर के आसपास है ना। तो गाइस इधर बैठ के आज मैं ना मेरा डोलबा ब्लॉक का इंट्रो कर रहा हूँ गाइस। तो ये लॉकेट, दिस लेक इज लॉकेट इन डोलबा। तो गाइस ये मेरा नया ब्लॉग जो है तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है गाइस, क्योंकि इसमें है ना मैंने बहुत एडवेंचरस किया, बहुत इंजॉय किया, क्या बोलते, बहुत नया चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे है ना। और मैंने ना और नया वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट जो है मैंने यारचाकुंभू की खोज में किया गाइस है ना। यारचाकुंभू जो है उसके बारे में भी एक अलग से कॉन्टेंट होगा गाइस है ना। तो मैंने यारचाकुंभू की खोज में किया, कैसे पाया जाता है, कैसे जगह में पाया जाता है, किस तरह पाया जाता है और कैसे दिखते हैं, ये भी होगा इस ब्लॉग में ना गाइस। तो ये रिंग जो है ये डोलबा लोकल रिंग है ना, ये मेरा माँ ने गिफ्ट किया है मुझे। तो बहुत प्यारा दिख रहा है इस हाथ में। होटल का नाम क्या हो? हिमालय होटल। मैं रिसेप्शन में बस रहा हूँ गाइस है ना। इसरी गाम तो ये तर्क लगी रहा है इसरी है गाइस। सो यहाँबाट बोट चाहिँ यसो देखिँदो रहेछ। सो हेलो गाइस, इस बॉय नाम का एपिक हियर अगेन। तो गाइस हम लोग है ना अब नेवलगंज में पहुँच गया और आज सुबह 4 बजे पहुँचा था। कल रात को हम लोग है ना गाड़ी में आया था, बहुत ही मुश्किल हो गया यार गाइस है ना। तो मैं आप लोग रास्ते का सफ़र तो मैंने छूट ही नहीं किया, इतना ख़राब था ना यार। तो अब हमारा है ना 9:30 बजे काठमांडू का फ्लाइट है गाइस। अभी हम लोग हैं नेपालगंज में गाइस। तो अभी हम लोग इधर हिमालय रेस्टोरेंट एंड लॉन्च का रिसेप्शन में वेट कर रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। तो 9:30 बजे फ्लाइट है, आप लोगों को फ्लाइट दिखाएंगे गाइस। तो ये मेरा ट्रैवलर फ्रेंड हम लोग है ना काफ़ी समय के बाद बैठ कर हो रहा है, मीटअप हो रहा है गाइस है ना। ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है सिंह रावल। कैसा रहा जिंदगी डोलबा में? ऐसे मजे में, मजे मौज। ये देखो मैंने टोपी, अब ये टोपी जो है उधर काठमांडू पहुँच के ये टोपी खोलने वाला हूँ। अभी यहाँ बहुत गर्मी हो रहा है, टोपी पहन के कटरी कर तो गाइस हम लोग है ना नेपालगंज एयरपोर्ट पे पहुंच गया। तो ये जो रहा नेपालगंज का एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। सो गाइस वी जस्ट गॉट द बोर्डिंग पास। तो आई एम कमिंग काठमांडू। काठमांडू में जा अब रवाना होने वाला है गाइस है ना। 9:30 बजे काठमांडू जाने वाला हूँ गाइस। तो ये देखिए नेपालगंज का एयरपोर्ट में भाई बहुत गर्मी है यार, यहाँ तो बहुत गर्मी है गाइस नेपालगंज में। तो गाइस हमारा चेक इन हो गया है ना। ये जो है श्री एयरलाइंस, इसमें हम लोग ट्रैवल करने वाला है गाइस है ना। तो अभी फ्यूल रिफिल हो रहा है, तो आई गेस 50 मिनट के बाद हम लोग पहुंचने वाला है काठमांडू। हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरू संस्था हो मलाई।